से मालूम कराया जाता है। इमरान खान से भी हम अपील करते हैं कि ये क्या तब्दीली आई है पाकिस्तान के अंदर। कराची के इलाके पीआईबी कॉलोनी से लापता होने वाली मैट्रिक की तालिबा और लड़का सरजानी टाउन से बाजियाब, अपनी मर्जी से गई थी वकास से शादी करना चाहती हूँ, दुआ का पुलिस को बयान। अहले खाना ने दुआ की गुमशुदगी पर एहतजाज भी किया था। डीएसपी न्यू टाउन का कहना है मुलजिम ने सरजानी में एक रोज कबल मकान भी किराए पर लिया था। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। दौरे पाकिस्तान के दौरान पोम्पियो को वाज़े पैगाम मिला कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है, अब अमरीकी हुकाम के मनफी नहीं मुस्बत पैगाम सामने आ रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे का सहारा बने। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें अब भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मुश्किलात का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं, हमारा मुश्तरका मफाद अमन का फसूल है, अमन के फसूल के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब। बरतानिया में बेनामी जायदादों का नया कानून अदालत में चैलेंज करने वालों को शिकस्त, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुकदमा जीत लिया। डायरेक्टर क्राइम एजेंसी का कहना है गैर कानूनी खरीदी गई जायदादों की तफ्तीश और कुर्की कानूनी अमल है। कानून के निफाज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 5 पार्टियों की जायदादों की लिस्ट बरतानवी हुकूमत को दी थी। लिस्ट में नवाज शरीफ की एवन फील्ड हाउस की जायदादें भी शामिल थी। IMF और पाकिस्तानी हुकाम में मुज़ाकरात आलमी इदारे की जानिब से नया मुतालबा सामने आ गया। IMF की बिजली के नए रेट मुकर्रर करने का हुकूमत का अख्तियार खत्म करने की तजवीज़, गैर मुल्की टीम नेपरा को बिजली के नए रेट मुकर्रर करने का अख्तियार देने की हामी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब के साथ ऑयल रिफाइनरी की तामीर के लिए MOU भी एजेंडे में शामिल, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ऑयल रिफाइनरी की तामीर के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का इम्कान। कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम फिर बैठ गया, कई इलाके तारीकी में डूब गए। 3 रोज के दौरान दूसरे बड़े ब्रेकडाउन से मलीर हॉल्ट, तारिक बिन जयाद, शाह फैसल, नाजिमाबाद में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मॉडल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर में भी बिजली बंद, शहरियों को शदीद मुश्किल। कप्तान सरकार का एक और यूटर्न, हुकूमत का नॉन फाइलर्स के लिए जमीन और गाड़ी खरीदने पर पाबंदी का ऐलान, नॉन फाइलर के नाम पर गाड़ी बुक करने वाली कंपनी पर 5% पेनल्टी, नॉन फाइलर्स 200 सीसी से कम की मोटरसाइकिल खरीद सकेगा, बेवा और ओवरसीज पाकिस्तानियों की विरासती जायदाद मुंतकली पर नॉन फाइलर्स को छूट, कौमी असम्बली में जिमनी मालियाती तरमीमी बिल मंजूर। तारीख क्या बदली, राणा मशहूद ने अल्फाज ही बदल लिए, पहले एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय होने की बातें करने वाले अपनी बातों से साफ मुकर गए, बयान सियाक व सबाक से हटकर चलाया गया। राणा मशहूद की वजाहतें, मुतनाज़े बयान शहबाज शरीफ ने राणा मशहूद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी, लीगी रहनुमा से बहस पर इसके लिए 3 रुकनी कमेटी का। चीफ जस्टिस साकिब निसार का एयर हेडक्वार्टर का दौरा, पाक फजाइये के सरबराह से मुलाकात, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने डैम फंड के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। चीफ जस्टिस ने एयर चीफ का शुक्रिया अदा किया और फजाइये की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की।
एयर चीफ ने कहा, पाक फजाइया मुल्क की दिफा के साथ मुल्क की तामीर में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रहेगी। डीपीओ पाक पतन तबादला केस, एहसन जमील गुजर की माफी मुस्तरद। इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश, वजीर आला और साबिक आईजी कलीम इमाम से जवाब तलब। आज जमील गुजर माफी मांग रहा है, पहले उसका लहजा ही कुछ और था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, खाबर मानिका अदालत में रो पड़े। बोले, बच्चों से नारवा सलूक के बाद क्या साबिका बीवी या इमरान खान से बात करता? चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ जज्बाती होने या रोने की कोई जरूरत। कुलभूषण जाधव केस, आलमी अदालत इंसाफ ने समाअत की नई तारीख का ऐलान कर दिया। समाअत 18 से 21 फरवरी 2019 को होगी। केस में 18 फरवरी को भारत और 19 फरवरी को पाकिस्तान दलाइल देगा। दूसरे मरहले में 20 को भारत और 21 फरवरी को पाकिस्तान दलाइल देगा। ट्रंप अपने अहम इतिहादी सऊदी अरब से भी उलझ पड़े। अमेरिकी सदर ने रैली से खिताब में कहा कि सऊदी हुकूमत हमारे बगैर दो हफ्ते में नहीं चल सकती, हम सऊदी अरब की हिफाजत करते हैं। अमेरिकी फौज को सऊदी हुकूमत की हिफाजत करने का मुआवजा देना चाहिए। रूस के साथ मिसाइल मुआहिदा, भारत पर अमेरिकी पाबंदियों का खदशा। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है, भारत रूस से फजाई दिफाई मिसाइल निजाम खरीदने से बाज रहे। हमारे तमाम इत्तहादी अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए रूस के साथ लेन देन छोड़ दें। भारतीय हुकाम के मुताबिक ट्रंप रूस के साथ इस मुजवजा डील को नजरअंदाज कर देंगे। अमेरिका का ईरान के साथ अहम तरीन मुआहिदा, बराए हम आहंगी खत्म करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो का कहना है, आलमी अदालत का अमेरिका मुखालिफ फैसला गैर मुनसिफाना है। आलमी अदालत ने अमेरिका को ईरान मुखालिफ पाबंदियां खत्म करने का हुक्म दिया था। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का दौरा इसराइल मकबूजा बैतुल मकदस पहुंच गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ इसराइल फलस्तीन तनाजे पर बात करेंगे। ईरान एटमी मुआहिदे पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रेक्जिट पर एक और रेफरेंडम का मुतालबा करने वाले सियासत चमका रहे हैं। ब्रेक्जिट के बाद नई इमिग्रेशन पॉलिसी बनाएंगे। बरतानवी वजीर आजम ट्रेजा में ब्रेक्जिट पर डट गई, कहती हैं ब्रेक्जिट पर अमल होकर ही रहेगा। ट्रेजा में का 10 साल से जारी सादगी पॉलिसी भी खत्म करने का ऐलान। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम, यूरोपीय यूनियन का म्यांमार के खिलाफ तिजारती पाबंदियों पर गौर। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक म्यांमार को टैरिफ फ्री ममालिक की फहरिस्त से निकाला जा सकता है। मुसलमानों के खिलाफ मजालिम रुके तो पाबंदियां हटाई भी जा सकती हैं। जर्मन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन ग्रेगोर रॉकी कार हादसे में हलाक। बेनबर्ग पुलिस ने बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन की हलाकत की तस्दीक कर दी। 54 साला साबिक बॉक्सिंग चैंपियन इटली में कार हादसे में हलाक हुए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी की लाहौर में रूनुमाई। ट्रॉफी को डबल डेकर बस पर शहर का चक्कर लगवाया गया। ट्रॉफी आज जीसी यूनिवर्सिटी, वाघा बॉर्डर और चौकत खानम अस्पताल ले जाई जाएगी। इस्लामाबाद और कराची में भी ट्रॉफी की रूनुमाई कराई जाएगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जानवरों के तहफ्फुज़ का आलमी दिन। कराची के रहायशियों ने सड़कों पर घूमने वाले बेजबान जानवरों के लिए शेल्टर होम बनाकर मिसाल कायम कर दी। अदील और इसके साथ ही शेल्टर होम में बीमार और जख्मी जानवरों का इलाज भी करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूँ फैजान इकबाल और मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के इस बुलेटिन में दीगर अहम खबरों के साथ ये आपको बताएंगे कि कराची से लापता होने वाली लड़की मिल गई है कहां से, और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन के आगाज में हम खबर देंगे आपको कराची के इलाके पीआईबी कॉलोनी से लापता होने वाली मैट्रिक की तालिबा और लड़का सरजानी टाउन से बाजियाब। लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से गई थी और वकास से शादी करना चाहती है। डीएसपी न्यू टाउन का कहना है कि मुलजिम ने सरजानी में एक रोज कबल मकान भी किराए पर लिया था। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है कराची से। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, आगाह कीजिएगा, लड़की को बाजियाब करा लिया गया है, इस हवाले से अब अहले खाना क्या कहते हैं, पुलिस क्या बता रही है मजीद? जी बिल्कुल, पीआईबी की कॉलोनी से जो लड़की के अगवा का मामला था वो पसंद का मामला निकला। दोनों लड़का और लड़की जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो गए थे सजाई टाउन का इलाका है जहाँ से लड़की और लड़के को जो बाजियाब कराया गया। मैट्रिक की तालबा थी दुआ, जो अपने क्लास फेलो वकास के साथ जो है गई थी, जिसको जो है सजाई से बाजियाब कराया गया है। पुलिस को बयान में बताया है लड़की ने कि वो अपनी मर्जी से जो है वकास के साथ गई थी। वकास जो है जाना नहीं चाहता था लेकिन लड़की जो है अपनी मर्जी से जो है वकास को लेके गई, क्योंकि जो लड़की के घर वाले थे वो राजी नहीं थे रिश्ते के लिए, जिसके बाइस लड़की को जो ये कदम उठाना पड़ा। जबकि जो हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का कहना है कि लड़का और लड़की जो दोनों मर्जी से गए थे, दोनों ने जो है एक उस कबल जो है सजानी के इलाके तसर टाउन में किराए में मकान भी लिया, जहाँ पर ये दोनों जो है लड़का और लड़की जाकर आज जो है शिफ्ट हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए इन दोनों को जो है सजानी के इलाके तसर टाउन से जो है बाजियाब कराया है। पुलिस का कहना है कि लड़की और लड़के दोनों को जो है कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और दोनों का जो है मेडिकल चेकअप भी जो है वो कराया जाएगा, जिसके बाद जो है जो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जी सही नवीद सदीकी, हमें ये भी बताइएगा कि इस वक्त लड़की और लड़का कहाँ पर है? जी दोनों जो है इस वक्त पुलिस हुक्काम के पास है, पुलिस स्टेशन में मौजूद है, क्योंकि जो है FIR हो चुकी है, तो कल जो है दोनों लड़का और लड़की को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो है दोनों का मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा और कोर्ट के अहकाम की रोशनी में जो है मजीद कार्रवाई की जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया नवीद सदीकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीआईबी कॉलोनी से लापता मैट्रिक की तालिबा बाजियाब करवा ली गई है।